हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद आपका नहीं, बहुत महीनों बाद आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सीधा सीधा बता रही हूँ कि ये अभी हम हिमाचल गए थे, तो ये हम अपनी कुलदेवी जा रहे हैं, तो उसका मैंने एक व्लॉग बनाया था, तो वो रखा हुआ था, एडिट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा इसको अपलोड कर दिया जाए। और हम जा रहे हैं अभी नैना देवी, बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे। और ये भी हम मतलब पहुंचने ही वाले हैं, बहुत पास हैं। ये भी आप जो नीचे की तरफ को जो नज़ारा देख रहे हैं, पूरा पंजाब है एकदम प्लेन, और अभी हम घूम रहे हैं हिमाचल में। ये जो मंदिर है एक तरह से बॉर्डर पे ही पड़ता है पंजाब और हिमाचल के, तो यहाँ पे पंजाबी भी बहुत ज़्यादा आते हैं और हिमाचल के लोग भी बहुत आते हैं यहाँ पे। अब तो दूर दूर से बहुत से लोग आने लग गए हैं काफ़ी जगह से, तो आप इंजॉय करें इस ब्लॉग को। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, जो पहाड़ी की चोटी दिखाई दे रही है, ये है मंदिर। एक्चुअल में हमें यहाँ जाना है, तो ये रास्ते में ना बहुत पीछे से दिखना शुरू हो जाती है। वो देखिए, अभी आपको क्लियरली विजिबल हो गई है। तो यहाँ पे हम पहुंच गए मंदिर में, ये है एंट्रेंस उसका। इसके पीछे आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, और यहाँ पे हलवा पूरी भी बनता रहता है, वो भी प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। और ये लाइन में लग गए, हम पहुंचे थे दोपहर के टाइम कोई 1 बजे के आसपास, क्योंकि घर से ही लेट चले थे, तब यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम थी। जैसे नवरात्र वगैरह हो ना, तब बहुत ज्यादा रश रहता है। और हम पहुंचे थे लकीली इस टाइम पे आरती चल रही थी, उसी टाइम पे हम पहुंचे थे यहाँ पे। तो बस इतने जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इतने ही लोग थे यहाँ पे उस टाइम पे। ऐसे बोल भी नहीं सकते कि बहुत कम लोग थे, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा लोग थे। तो ये बाहर का एंट्रेंस है, ये सब लोग ना यहाँ पे लाइन में इसीलिए लगे क्योंकि अंदर आरती लगी है, तो अभी जाने नहीं दे रहे अंदर। और ये हम दर्शन करके यहाँ पे आ गए थे, तो वहां पे प्रसाद नहीं चढ़ता है, तो उन्होंने जहाँ पे बाहर हवन होता है वहां पे हमें प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, तो वहां पे वो हमें कलावा भी बांधते हैं और हम उस हवन में प्रसाद भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो आप देख रहे हैं अभी सामने, इधर हम प्रसाद चढ़ाएंगे। और बहुत से लोग यहाँ पे हवन भी कर रहे थे। और इस मंदिर की तो बहुत महिमा है, और ये मम्मी भी गए थे, मेरी छोटी सिस्टर भी गई थी, तो यहाँ पे अभी हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो यहाँ टॉप से हम मंदिर में ही खड़े हैं अभी, यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हम तो सोच रहे थे कि कितने ही फोटोज़ खींच लें। फिर हम घुस गए इस दुकान में, यहाँ पे ना हमने अपने जूते चप्पल रखे थे उतार के। फिर यहाँ पे बहुत अच्छी बैंगल्स दिख रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ ले लेते हैं। फिर बहुत सारी ट्राई भी करी, फिर ऐसे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने कुछ नहीं लिया, यहाँ से मैं आ गई ऐसे खाली देख के। पर हाँ, मतलब जैसे लाइट पड़ती है ना बाहर से, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में, कि वाह कितनी सही लग रही है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, ब्रेसलेट्स भी बहुत सुंदर सुंदर थे, और मतलब चूड़ियाँ तो बहुत ही अच्छी थी। ऐसा मन कर रहा था कि ले ही लूँ, लेकिन किसी में साइज़ का इशू आ रहा था, कोई थोड़ी रफ सी थी जो हाथ में चुभ रही थी, फिर नहीं ली। फिर यहाँ से हम नीचे उतर रहे थे, देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, एकदम टॉप पे है ये मंदिर। मतलब सारे मंदिर जो देखे हमने, माता के जितने मंदिर हैं, वो सारे टॉप पे ही होते हैं। फिर यहाँ पे नीचे लगाई थी गाड़ी पार्किंग में, और यहाँ पे हम जा रहे थे गाड़ी की तरफ, और ये हमें रास्ते में ऐसे व्यू पॉइंट दिख गया, तो हम उतर गए यहाँ पे देखने के लिए कि देखते हैं यहाँ पे क्या है। अनएक्सपेक्टेड था, सोचा नहीं था कि इस तरह की जगह पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखो नीचे सतलुज रिवर, क्या व्यू आ रहा है, एकदम मस्त। वो तो जाते जाते एकदम से नजर पड़ गई ना, तो पता ही नहीं चलता, हम इतने उसमें अपने तेजी में जा रहे थे, अपने सामने की तरफ को ध्यान था, तो देख लिया कि साइड में कुछ ऐसा व्यू है, तो फिर रुक गए हम यहाँ पे। ये छोटा सा आइलैंड भी दिख रहा है, हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके, हमने इसकी खूबसूरती को निहारा और अपनी आंखों में कैप्चर कर लिया। मतलब इतना सही लग रहा था ना यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और हमने बहुत सारे फोटोज क्लिक किया यहाँ पे, फोटोज क्लिक किए, वीडियो बनाई, फिर थोड़ी देर रुके यहाँ पे 10-15 मिनट, फिर चले गए हम यहाँ से। फिर कुछ खाया नहीं था क्योंकि मंदिर आए थे, तो फिर सोचा कि चलो खा लेते हैं, घर से खाना बना के लेके आए थे हम लोग पैक करके, तो बस वो खाया और फिर आ गए वापस घर।
और कमेंट्स में बता देना कि आगे व्लॉग डालना मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।